नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर मिल रही है नरसिंह मुद्रे गाड़ावर से, जहां पर भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ में किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे व उनके साथियों ने भैंस के आगे बीन बजाकर कमलनाथ सरकार का जताया विरोध। भाजपा युवा मोर्चा ने बैलगाड़ी पर यात्रा निकालकर, दोपहिया वाहन की सब यात्रा निकालकर पेट्रोल डीजल में हुए मूल्य वृद्धि का जताया विरोध। जी आप देख रहे हैं इतनी और बड़ी खबर मिल रही है नरसिंह मुद्रे गाड़ावर से, जहां पर गाड़ावर में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे के नेतृत्व में व पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल की उपस्थिति में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बेरोजगार सम्मेलन कर बैलगाड़ी पर यात्रा निकालते हुए दोपहिया वाहनों की सब यात्रा निकाली गई। भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार द्वारा वेट टैक्स बढ़ाकर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर एवं बेरोजगारों के साथ जो आए दिन छलावा कर रही, उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अपने पूरे सैलाब के साथ गाड़ावर की सड़कों पर उतरे। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लंगड़ी लुली सरकार हर वर्ग को धोखा देने के काम कर रही है। राहुल गांधी को शर्म आना चाहिए, जिन्होंने चुनावों के समय मंचों से किसानों से कहा था कि 10 दिन के अंदर किसानों का 2,00,000 रुपए कर्ज माफ कर देंगे, यदि कर्ज नहीं किया माफ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री को हम बदल देंगे। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वह भैंस की, और भैंस की तस्वीर देखकर आपको जरूर भैंस के आगे बीन बजाने वाली कहावत याद आ रही होगी। जी हाँ, तो आज भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे और उनके साथियों ने भैंस के आगे बीन बजाकर वर्तमान सरकार की तुलना की है। क्या कुछ क्या सुनिए। एक राजनीतिक दल ने इस प्रकार के वादे और झूठे निकम्मे नकारे वादे किए और एक ऐसा वचन पत्र मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा, और शर्म आनी चाहिए उनके राजनीतिक दल के उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कि जिन्होंने कहा कि मैं 10 दिन के अंदर यदि किसानों को 2,00,000 रुपए का कर्ज माफ नहीं कर दूंगा तो अपना मुख्यमंत्री बदल दूंगा। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी, आपने जनता के साथ झूठे वादे किए, आपने जनता के साथ छल और छलावा किया, आपने मध्य प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के साथ आपने कुटाराघात किया, आपने मध्य प्रदेश के नौजवानों को कहा कि विवेकानंद जी के नाम पर 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का हम काम करेंगे, मध्य प्रदेश में रहने वाले उन लाखों लाख नौजवानों का आपने उपहास उड़ाया है और आपने उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी आपसे, आपको इस बात के लिए कहते समय शर्म नहीं आई कि मध्य प्रदेश में रहने वाले नौजवानों के लिए हम स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे, स्किल डेवलपमेंट के नाम से उसको स्किल्ड करेंगे, और स्किल्ड यूथ जब मध्य प्रदेश में तैयार होगा तब वो भैंस चराने और ढोल बजाने का काम करेगा। ये शर्म की बात है कमलनाथ जी। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से कि कमलनाथ जी, आप मध्य प्रदेश के अन्य माता बहनों के बच्चों को आप चाहते हैं कि वो भैंस चराएं, आप चाहते हैं कि वो ढोल बजाएं। मैं पूछना चाहता हूं, यदि आप में क्षमता है, आप में यदि ताकत है और आप में यदि सच्चाई के 1% अंश भी बचे होंगे तो सबसे पहले आपको ढोल बजाना और भैंस चराने का काम किसी से कराना था तो अपने बेटे नकुलनाथ से कराना था कमलनाथ जी। लेकिन नहीं, मेरा बेटा तो सांसद होगा और मेरे मध्य प्रदेश में रहने वाले लाखों लाख मेरे नौजवान साथी ढोल बजाने का काम और भैंस चराने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार चल रही है उसके सामने मैंने खुद बीन बजाया है, भैंस के आगे बीन बजाया और भैंस दे पगराए वाली स्थिति है। ये सरकार अंधी, बहरी, लूली और लंगड़ी सरकार है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और जिस तरह से हम भैंसे के सामने बीन बजा रहे हैं वैसे ही जनता बिचारी निरीह अवस्था में इस सरकार के सामने आग्रह और निवेदन कर रही है, लेकिन ये अंधी, बहरी, लूली और लंगड़ी सरकार कुछ भी सुनने और समझने के मूड में नहीं।